नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। इसराइल के खिलाफ मैदान में खड़े हमास को हिजबुल्ला पूरा सपोर्ट कर रहा है, लेकिन हिजबुल्ला के तेवर अब ढीले दिख रहे हैं। दावा यह किया जा रहा है कि अमेरिका की एंट्री से हिजबुल्ला घबराया हुआ है, नतीजन उसके हौसले कमजोर दिखने लगे हैं। क्या वाकई हिजबुल्ला पीछे हट रहा है या फिर ये उसकी युद्ध नीति का हिस्सा है? इस रिपोर्ट में देखिए कि आखिर हिजबुल्ला की आगे की स्ट्रैटेजी क्या है। इसराइल और हमास के बीच छिड़ी जंग भीषण होती जा रही है। इसराइल की सेना गाजा में चुन चुन कर हमास के अड्डों पर हमला कर रही है। जिसके बाद हिजबुल्ला इसराइल और अमेरिका पर आंख तरेरने लगा है। हिजबुल्ला ने नेतन्याहू के साथ साथ बाइडेन को चेतावनी दे डाली थी, लेकिन अब हिजबुल्ला के तेवर ढीले पड़ने लगे हैं। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका की दखल से हिजबुल्ला घबराया हुआ है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या उसने युद्ध के मैदान से अपने पैर भी पीछे ले लिए हैं। 4 नवंबर को गाजा युद्ध की आग बहुत ज्यादा भड़कने वाली थी, जो नहीं भड़की। हिजबुल्ला इसराइल के खिलाफ बहुत बड़ी जंग का ऐलान करने वाला था, लेकिन वो भी नहीं हुआ। सवाल उठने लगे, क्या बाइडेन का इसराइल के पास जाना हिजबुल्ला को हमास से दूर करने लगा है? क्या हिजबुल्ला ने एक तरह से हमास के साथ मैदान में छल कर दिया है? सवाल ये भी थे कि हिजबुल्ला चीफ नसरल्ला ने युद्ध का ऐलान क्यों नहीं किया? हमास के साथ मैदान में धोखा क्यों किया गया? क्या अमेरिका का बाहुबल उसे हमास से दूर कर रहा है? 3 नवंबर 2023 को जब हिजबुल्ला चीफ हसन नसरल्ला ने जलसा किया था, कयास लगाए जा रहे थे कि नसरल्ला इसराइल के खिलाफ जंग तेज करने का ऐलान करेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नसरल्ला ने तकरीर जरूर की, लेकिन उन्होंने इसराइल के खिलाफ विनाशक जंग छेड़ने की घोषणा नहीं की, बल्कि हमास को समर्थन देने की बात कही। ऐसे में एक बार फिर हमास की उम्मीदों पर पानी फिर गया और उसको बड़ा झटका लगा। अब अमेरिका का उसके खिलाफ मैदान में होना जाहिर तौर पर उसके पैर कपा देने वाला है। अब ऐसा क्यों, वो समझिए। दरअसल लेबनान के पास अमेरिकी नेवी की एक्सरसाइज हुई। 6th फ्लीट ने उस वक्त युद्ध अभ्यास किया जिस वक्त गाजा में भीषण युद्ध छिड़ा था, और पश्चिम एशिया में अमेरिकी सैनिक की तैनाती ने उसके उड़ते पंखों को कतर दिया था। हिजबुल्ला इसराइल से प्रतिशोध की आग में झुलस रहा है और इसराइल 3 फ्रंट वॉर की पटकथा लिखने में जुटा है, लेकिन बाइडेन प्रशासन निजी तौर पर इसराइल से हिजबुल्ला के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू नहीं करने का आग्रह कर रहा है, क्योंकि वाशिंगटन मौजूदा युद्ध को गाजा से आगे फैलाने से रोकने पर काम कर रहा है। हिजबुल्ला भी अमेरिका के खिलाफ खड़ा नहीं होना चाहता, क्योंकि वो भी सुपर पावर की ताकत से वाकिफ है।